वंदे मातरम यूथ क्लब ने मंगलवार चौक पर उज्जैन की घटना के विरोध में पाकिस्तान और तालिबानी आतंकवाद का पुतला फूंका। वहीं अपने खून से भारत माता वंदे मातरम के जयकारे लिख देशभक्ति जताई। क्लब संचालक अभिषेक दुबे ने कहा कि हम भारतवासी किसी आतंकवाद से डरने वाले नहीं हैं। हम अपने देश के लिए सर कटा भी सकते हैं और सर काट भी सकते हैं। देश के खिलाफ नारे लगाने वाले यह बात समझ लें कि कोई भी देश भारत के नागरिकों को कमजोर ना समझे। इस मौके पर वंदे मातरम यूथ क्लब के हर्षित पटवा, अमन, चेतन रघुवंशी, हार्दिक चौरसिया, अजय दुबे, अंकित पटेल आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। अपने रक्त से भारत माता की जय वंदे मातरम लिखकर इन संपूर्ण राष्ट्रद्रोही ताकतों को एक हमारी ओर से संदेश दिया जा रहा है कि आप भारत माता की ओर अपनी आंख उठाकर ना देखें। हम युवा विपरीत से संदेश देते हैं, पाकिस्तान के जयकारे लगाने वाले देश के गद्दारों को और तालिबान पाकिस्तान ये ऐसी ताकतों को, हमारी भारतीय सेना बहुत सक्षम है और हमारी यहाँ के हर युवा के मन में एक राष्ट्रवाद का एक भाव है और हम भारत माता के लिए अपना खून निकाल सकते हैं, दूसरे का खून भी निकाल सकते हैं। हम किन्हीं ताकतों से निपटने के लिए देश के युवा सक्षम है, हमारी भारतीय सेना सक्षम है। कोई देश का गद्दार हमारी भारत माँ की ओर आंख उठा कर ना देखे, उसका शीश कलम कर दिया जाएगा। भारत माता की जय। टाइम एज के लिए मध्य प्रदेश के पिपरिया से शकील नियाजी की रिपोर्ट।